हेलो फ्रेंड्स, मैं साधन और आप देख रहे हैं आज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। 2024 चुनाव, इंडिया वर्सेस बीजेपी, चलिए देखते हैं वीडियो। राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाए हैं, मुझे लग रहा है कि इस यात्रा से एक आवाज गूंजी। पहले लीडर ऐसे हैं जिनको हर कम्युनिटी को, हर कास्ट को, हर स्टेट को, चाहे वो ओबीसी हो, एससीज हो, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण्स हो, ट्राइबल्स हो, इन सबको मिलने का मौका मिला। और ये ऐसे जब राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनको देश के हर चीज का पता होगा। मुझे यकीन है 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और जो इश्यूज राहुल गांधी जी लेके चले हैं सबको राहत दी जाएगी, सब इश्यूज जो है इंप्लीमेंट होंगे, उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम किसान का कर्जा माफ करें, किसान को मदद करें और बड़ी मदद करें, जो बीजेपी ने बोला है कि हम 6000 साल का देते हैं, उससे कुछ नहीं बनेगा। किसान को फसल खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, उसकी फसल बेचने के लिए भी सरकार कोई उठाए। दूसरा बूस्ट मिलता है छोटी इंडस्ट्री को अपग्रेड करना, जैसे इन्होंने जीएसटी लगाया और नोटबंदी की, उससे छोटी इंडस्ट्री जो है वो सारी, मतलब 80% जो है बंद हो गई, तो उसको दोबारा अपलिफ्ट करना, उनको मदद करना, तो उससे भी इकोनॉमी दोबारा बूस्ट होगी। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। -10 के टेम्परेचर में बर्फबारी हो रही थी और लाखों लोग उनको सुन रहे थे, उससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो लाल चौक में राहुल जी ने झंडा चढ़ाया और वो इंटरनेशनल हिट हुआ वो प्रोग्राम, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई इवेंट नहीं। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।